ये देख सकते हैं, ये सारा सील्ड, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये सब जितना भी है ये साहिल का ही है। अभी अकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में वो भी थी, तो उनका निधन हुआ तो आप सभी पूरे एकदम सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब बात आया साहिल बाबू का तो आप लोग का कुछ भी सपोर्ट का मतलब कुछ भी ऐसा दिख ही नहीं रहा क्या कीजिए। भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई आया अभी तक? कोई नहीं आया, साहिल बाबू के साथ साथ सब। हेलो गाइस, कैसे आप सभी? मैं तो ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप भी ठीक ही होंगे। और आप लोग को तो पता ही होगा कि अभी हम फिलहाल साहिल भैया के घर पे हैं आए हुए, और अभी फिलहाल मैं आप सभी को कुछ दिखाने वाली हूँ। आज साहिल का 11 दिन हो गया, वो बेचारा अब इस दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन आज उसका श्राद्ध कर्म आज से ही स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम जिस रूम में बैठे हुए थे तो वहाँ पे मतलब उसका ये देख सकते हैं, ये सारा सील्ड, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये सब जितना भी है ये साहिल का ही है, जो कि तरह तरह के कंपटीशन जो हुआ था सॉन्ग का वो सब में मतलब वो विजेता हुआ था, वो सब सील्ड यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये बैनर है, और ये देख सकते हैं आप सभी, ये जो कृष्ण जी और राधा जी हैं इनका भी जो मूर्ति है उन्हीं को प्राइज में ही मिला था, और ये जो इधर जो आप लोग को दिख रहा होगा वो इतना फर्स्ट सारा जो भी आपको ये सील्ड दिख रहा है ये टोटल साहिल का ही है। आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना मतलब वो सील्ड जीता था, लेकिन ये तो तकदीर का ही दोष कहा जाए, ये सारा उन्हीं को मिला है, बहुत सारा इसमें तकदीर का ही दोष है कि मतलब वो बेचारा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी याद जो है अब ये सब के जरिए हम आपको क्या हम बताएं। ये देख सकते हैं ये सब इतना बड़ा बड़ा सील्ड, ये सारा का सारा सील्ड जो है वो साहिल का ही है। और ये देख सकते हैं उसे जिस जो बीमारी थी मतलब कैंसर से वो बेचारा पीड़ित था, तो वो कैंसर संस्थान, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं महावीर कैंसर संस्थान एवं शोध केंद्र, यहाँ से मतलब ये पटना में है, तो यहाँ से मतलब उसका इलाज चल रहा था, तो यहाँ भी वो प्रोग्राम किया था और वहाँ भी सम्मानित तो वो हुआ था, ये सम्मान पत्र उसका है। तो गाइज ये देख सकते हैं साहिल बाबू का बहुत बड़ा ये पोस्टर, ऐसे तो आप गाने में देखते थे छोटा छोटा पोस्टर, लेकिन उनका ये बहुत बड़ा पोस्टर बनाया गया है जो कि अभी मतलब टेंट में लगेगा और वहीं पे लोग आएंगे देखेंगे और जो भी मतलब होता है वो मतलब किया जाएगा। ऐसे ही आप वीडियो पे बने रहिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी साहिल बाबू का श्राद्ध कर्म स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आप लोग को वहाँ पे लेके चलता हूँ, दिखाऊंगा, क्योंकि उनका जो श्राद्ध कर्म है बहुत कम एज में वो चले गए हैं, अभी उनकी एज मुश्किल से 16-17 के आसपास ही था, तो कम समय में जाने की वजह से उनका अलग टाइप का जो होता है वो श्राद्ध कर्म किया जा रहा है। तो मैं चलिए आपको वही दिखाता हूँ कैसे मतलब उनका श्राद्ध कर्म कैसे किया जा रहा है वो। तो गाइज आप सभी को बता देना चाहती हूँ, आप सभी तो देखे ही कि साहिल भैया का सामान जो था वो तो अभी वो जो आप सभी देखे हैं वो तो बस इतना सा था, थोड़ा सा था, लेकिन जब उनका और भी बहुत सारा सामान निकलेगा ना तो बहुत सारा है, लेकिन वहाँ पे बस थोड़ा सा ही उनका सामान रखा हुआ है। और अभी तो फ़िलहाल आज 11वीं है तो बहुत सारा काम हो रहा है, मंदिर पे हो रहा है, और आप सभी को हम दिखाएंगे ही, लेकिन हाँ ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। तो मैंने आप लोग को दिखाया कि कितना सारा अवार्ड है, ये सारा का सारा अवार्ड मतलब साहिल बाबू का ही है, मतलब क्या आप लोग को बताया, जहाँ भी वो गया स्टारडम उसका पीछा नहीं छोड़ा, और यही रीज़न था कि हम लोग उसको मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री से जोड़े थे, और वहाँ भी जाके वो मतलब तहलका मचा दिया, यूट्यूब का बादशाह बन गया बहुत ही कम समय में वो, उसका और ये जयश्री आप देख ही रहे हैं दोनों का तो क्या कम्बिनेशन रहा ये आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं हुआ। उसकी माँ भी यहाँ पे बैठी हुई, उसका तो अभी आप देख सकते हैं सर पे अभी भी चोट का निशान है जो कि अभी भरा नहीं है, और मैं क्या बोलता हूँ ये आप लोग को भी पता है कि ये चोट तो कुछ भी नहीं, जो चोट अभी ये लोग को लगा है हमें नहीं लगता कि वो ज़िंदगी भर भर सकता है, स्थिति तो काफ़ी दयनीय है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी हमारा भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का भी ये कंडीशन है कि अभी तक कोई बढ़ चढ़ के कॉपरेट नहीं करने आए हैं, इतना दिन सेवा देने का कुछ रिजल्ट नहीं मतलब अभी कहा जाए तो साहिल बाबू को मिला है। क्या तुम लोग का क्या कहना है, मतलब कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ? सबसे बड़ी गलती तो आप लोग
ये कर रहे हैं कि जैसे, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में वो भी थी, तो उनका निधन हुआ तो आप सभी पूरे एकदम सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब बात आया साहिल बाबू का तो आप लोग का कुछ भी सपोर्ट का मतलब कुछ भी ऐसा दिख ही नहीं रहा कि आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सिर्फ आप, जैसे कि मेरा गाना रिलीज होता था तो उस पर सपोर्ट करते थे, मैं मानती हूँ कि आप सपोर्ट करते थे, लेकिन जब मेन सपोर्ट की ज़रूरत अब है जो आप सभी नहीं कर रहे हैं, ये आप सभी का बहुत ही बड़ा गलती है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। पूरी इंडस्ट्री से कोई आया अभी तक? कोई नहीं आया, साहिल बाबू के साथ साथ सब मर गया, कोई जिंदा नहीं। अगर जिंदा रहता तो ज़रूर कोई सपोर्ट करता है, तो कोई हाल समाचार लेने वाला नहीं है। साथ ही साथ मीडिया वाला भी मर गया, मीडिया वाला को भी फ़ोन किया गया तो कुछ नहीं जवाब दिया। उधर से बोलता है कि पटना आई है, दिल्ली आई है। आदमी पटना जाएगा तब उसका ममता चौहान मर गई तो उसका परिवार इधर उधर घूम करके कर रहा है सबको कि हाँ आइए मेरे घर आइए। मैंने साहिल बाबू इतना दिया, इतना सब मन लगी किया, दिल लगी किया, लेकिन साहिल बाबू के लिए कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मीडिया वाला से लेकर के इंडस्ट्री तक के सब है जो लगता है कि साहिल बाबू के साथ ही साथ चला गया, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, नहीं कुछ कोई पूछ रहा है, ना कोई देखने आता है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि जैसे साहिल बाबू चला गया लगता है कि उसके साथ ही साथ सारा इंडस्ट्री चला गया, कि कोई खबर लेने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। गाइज ये बात सही है कि जो इंसान मतलब सभी को इतना ज़्यादा इंटरटेन किया है और सभी मतलब जब साहिल बाबू से बेनिफिट जब उठाना था तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री मतलब साहिल बाबू लगा के रट्टा लगा के बैठे हुए थे। और जब साहिल बाबू तो नहीं रहे और जब उनके घर वाले को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है तो आज तक इंडस्ट्री से कोई भी मेंबर ऐसा झलक दिखलाने के लिए नहीं आ रहे हैं। अब पता नहीं अब रीज़न क्या है, अब तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन साहिल बाबू नहीं रहे तो उनके घर वाले को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था, जो कि कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, कम से कम सांत्वना देने तो आ सकते थे, लेकिन इंडस्ट्री से बहुत चुनिंदा लोगों को मैंने देखा कि वो आए हैं। साइज का मतलब मीडिया वाला को मना किया गया, सर मीटिंग कर लिया इंडस्ट्री वाला कि नहीं जाना है साहिल बाबू के पास, तो नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, मेरा जब बाबू ही चला गया तो इंडस्ट्री में लग जाएगा तो उनको क्या गौ, मेरा बेटा ही चला गया तो हमको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है जाते लेने के लिए। आखिर कोई भी इंसान अगर ऐसा बोल रहा है तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न होता है ना, जब दिल टूटता है तो ही आवाज़ निकलता है। और ये जयश्री भी है, ये बार बार मतलब यही बोल रही है कि इंडस्ट्री से गुहार लगा रही है। हम अपने गोद में लेकर के उसे तड़पते हुए देखा है मैंने, जाने भक्त भी क्या क्या बोला, मुझे सब याद है। अब क्या, अब आप लोगों को अब इससे ज़्यादा हम क्या बताए, माँ का दर्द तो आप लोग देख ही रहे हैं, जो कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आप लोग खुद होशियार हैं, समझ सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। अब यही आप लोग से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है। छोटा मोटा सिंगर मरता है तो पूरा मीडिया वाला, पूरा इंडस्ट्री वाला उलट जाता है। साहिल बाबू को तो जैसे लगता है कोई जानता ही नहीं है, कोई लगता है कि उसका नाम निशान, जैसे साहिल बाबू गया सारा नाम निशान उसका मिट गया। जब तक उससे लोग था, जब से सब कोई साहिल बाबू है, साहिल बाबू चल गया तो उसको नाम लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। और गाइज आप लोग को बता दें कि एक भी मीडिया के तरफ से कोई ऐसा न्यूज़ बनाने के लिए भी नहीं आया कि साहिल बाबू का जैसे जस्ट लाइक मतलब पूरा अस्तित्व ही ख़त्म हो गया ना, तो उस तरह से मतलब इंडस्ट्री से भी उनका नाम ही पूरा ख़त्म हो गया। इस तरह से लोग करके रखे, जब तक वो जिंदा थे तो साहिल बाबू थे और अभी नहीं है तो कुछ भी नहीं। खैर क्या बोले, इससे ज़्यादा तो खैर आप लोग खुद समझदार हैं क्या करना चाहिए। खैर आगे इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि बड़े बड़े लोग को मतलब ये वीडियो, कोई बड़े बड़े लोग कोई कुछ करने वाले नहीं, इसीलिए तो उसका तबीयत भी खराब था तो हम लोग नहीं बताते थे। कहता था मेरा साहिब कि मम्मी कुछ कोई करने वाला नहीं है, सामने आके क्या करोगी, बता के क्या करोगी, दो दिन तो टीवी देखती हो, रात दिन मोबाइल देखती हो, यूट्यूब देखती हो, क्या किसको कोई कर रहा है, कोई किसी को नहीं कर रहा। सही में जो बोल रहा था सामने आ रहा है, जो जिंदा में बोल रहा था आज मरला पर भी हम वही देख रहे हैं कि जैसे लगा साहिल बाबू चला गया, सब चला गया उसी के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो अभी वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिएगा, हर दिन आपको एक नया अपडेट मिलता रहेगा जो भी होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मतलब हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट होके
कहीं ना कहीं आप लोग का सपोर्ट वही होगा जो वीडियो को आप शेयर करेंगे। और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा ही वीडियो देखते रहें कंटिन्यू। आप सब छोटा सा बैठा हुआ है इंडस्ट्री में सर, जो कि मेरे बच्चे को तकलीफ दिया, जो जो तकलीफ दिया वो खुद सोता होगा, देखेगा ये वीडियो तो सोचेगा कि हाँ हमने गलती किया है उसके साथ में, कौन कौन गलती किया है, सब अपने आप दिल पर हाथ धर करके समझे कि हाँ हम किस क्या क्या धोखा दिया है उस छोटा बच्चा को, जिसको कि पूरा अर्थ भी समझ नहीं आया था कि धोखा किसे कहते हैं, लेकिन वो जाते जाते वक्त सब सिखा गया हमें भी कि धोखा क्या होता है। वो बोलता था लेकिन हम उसका बात का विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज अपनी आँखों से देख रहा है कि वो सही में क्या बात है इंडस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।